नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और आज की इस वीडियो में हम आम को गुठली से उगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप पके हुए आमों की गुठलियाँ रख लीजिए। जब आम का आखिरी सीजन चल रहा होता है उस टाइम पे आप आम की गुठलियों को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि शुरू में अगर आप आम की गुठलियाँ लेंगे तो हो सकता है वो कच्ची निकलेंगी और आपकी जो आम की गुठली है उगेगी नहीं, क्योंकि बाज़ार में अक्सर केमिकल से पकाए हुए आम आते हैं जो पेड़ से कच्चे तोड़कर बाद में केमिकल से उनको पकाया जाता है। लेकिन सीजन के लास्ट में पके हुए आम आ ही जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप गुठली को बाहर से छीलेंगे और अंदर से गिरी को बाहर निकालेंगे तो गुठली पहले से ही उगना शुरू हो चुकी होगी। तो सबसे पहले आप बहुत ही सावधानी से आम की गुठली के बाहरी खोल को अलग करिए और अंदर गिरी को बाहर निकालिए। सावधानी रखिए कि अंदर जो गिरी है, आम की गुठली है, उसको चोट न पहुंचे। अगर आम की गुठली को आप सबसे जल्दी उगाना चाहते हैं तो आपको कुछ खास परिस्थितियों में आम की गुठली को उगाना होगा। तो वो खास परिस्थितियां क्या क्या हैं, चलिए हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो आम की गुठली आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगानी है, क्योंकि तेज़ धूप होती है, तो इससे बचाने के लिए आपको किसी छायादार पेड़ के नीचे गार्डन सोयल में गुठली को लगा दीजिए, जहाँ पर नमी बनी रहे। अगर बारिश के मौसम में आम की गुठली को उगाया जाए तो आपको परिणाम सबसे बेहतर मिलेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी होती है और नमी पौधों को उगने के लिए, बीजों को उगने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। अगर बारिश के मौसम में आप गुठली को उगाएंगे तो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर वो उगना शुरू कर देगी, और अगर गर्मी के मौसम में आप उगाएंगे तो हो सकता है उसको 10 से लेकर 20 दिन के बीच का टाइम लग जाए। तो साथियों, वीडियो में जो ऊपर का हिस्सा गुठली का दिखाई दे रहा है, वहाँ से आम की नई नई कोपले निकलेंगी। अगर कोई गुठली नीचे से काली है या फिर वो ऊपर के खोल को हटाते समय टूट गई है या उसको नुकसान पहुँच गया है तो हो सकता है आपकी गुठली न भी उगे। तो साथियों, अब इन गुठलियों को गार्डन सोयल में मिट्टी के नीचे हल्का हल्का दबा देते हैं, और आपको ध्यान ये रखना है कि मिट्टी के अंदर नमी बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए। 3-4 गुठलियाँ उगा दीजिए, ताकि कोई अगर ना भी उगे तो इनमें से कम 2 गुठलियाँ या 1 गुठली कुछ तो उगेगा ही। अब इनके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क दीजिए और इंतज़ार करते हैं 10-15 दिन के लिए। ये एक और आम का पेड़ है, इसको मैंने पिछली बार उगाया था। तो साथियों, अब मिलते हैं 15 दिन के बाद। हमने जो गुठलियाँ लगाई थी वो सारी की सारी उगनी शुरू हो गई हैं। तो साथियों, इस तरह आप भी उगा सकते हैं और अपने घर पर अपना आम का पेड़ खुद तैयार कर सकते हैं, और बाद में आप इसको ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।